असलम एवरी वन दिस वीडियो वे आर गोइंग टू डू हाईफीमा ठीक है हाईफीमा इस बेसिकली क्या होता है कि जो आंख का हमारे पास इंटीरियर सेगमेंट uh, जो होता है ना इंटीरियर चैम्बर सॉरी इंटीरियर चैम्बर जो होता है ना उसमें हमारे पास ब्लड एकुमलेट हो जाता है ठीक है अब इसकी अगर हम कॉजेज़ की बात करें ना तो हमारे पास क्या हो सकता है ट्रामा की वजह से हो सकता है या हमारे पास सर्जरी के बाद हो सकता है या किसी बंदे को कोई ब्लड वेसल का डिसऑर्डर है ठीक है या हमारे पास उस किसी बंदे को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है या एनीमिया वगैरह है सिकल सेल एनीमिया तो उसकी वजह से भी हो सकता है ठीक है या कोई ट्यूमर है रेटिनोब्लास्टोमा में तो उसमें भी हो सकता है ठीक है और बेसिकली आपने याद रखना है कि जो हाइफीमा होता है ना इट्स बेसिकली बिकॉज ऑफ द ब्लड ट्रामा ठीक है सही है अच्छा अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे जब आप क्लिनिकल फीचर्स देखते हो ना तो पेशेंट को आपने लाइक विजुअल एक्विटी उसकी देखनी है आपने ठीक है uh, सही है सन इन चार्ट से ठीक है इसके अलावा पीपल का वो होता है पीपल कभी नज़र आ रहा होता है कभी नहीं नज़र आ रहा होता है। वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या सीन है ठीक है इसका इसके अलावा हमारे पास जो होता है इंट्राकुलर प्रेशर की बात हो गई है और आ, विजिबिलिटी इन द इंटीरियर चैम्बर की बात हो गई ठीक है अब इसकी ग्रेडिंग है हाई फीमा की ठीक है सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट ग्रेड है ना दैट्स दी और सबसे पहले यहाँ पे ग्रेडिंग लिखनी है और यहाँ पे हमारे इंटीरियर चैम्बर में क्या क्या होगा वो हमने करना है ठीक है देखो फर्स्ट चैंबर में ना फर्स्ट uh, जो हमारे पास है दैट्स ए माइक्रो हाइफीमा ठीक है अब जो माइक्रो हाइफीमा होता है ना इसमें बेसिकली हमारे पास जो वो होता है ना सिर्फ इंटीरियर चैम्बर में हमें सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल्स नजर आ रहे होते हैं ठीक है ब्लड सेल्स इसके बाद जो हमारे पास ग्रेड वन होता है ना तो उन उसमें हमारे पास आ, वन थर्ड ऑफ द जो इंटीरियर टेम्पर होता है वो ब्लड से फिल होता है ठीक है ग्रेड टू में वन थर्ड से लेकर हाफ तक फिल होता है ग्रेड थ्री में थ्री बाई फोर तक फिल होता है ठीक है वो ग्रेड जो फोर है उसमें हमारे पास पूरा का पूरा फिल हो चुका होता है ठीक है अच्छा ये ग्रेडिंग भी होगी इसके बाद इसकी कॉम्प्लीकेशन पे आते हैं कॉम्प्लीकेशन बहुत ईजी है देखो सबसे पहले ना हमारे पास क्या होता है कि देखो जब ब्लीड होता है ना तो ब्लीड के बाद क्लॉट बनता है ठीक है लेकिन अब ये जो ब्लीड है ना तो ये री भी हो सकती है ठीक है पहली बात ये होगी दूसरी बात ये होती है ना कि हमारे पास ना अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इंटीरियर चैम्बर में ब्लड है तो ऑब्वियसली वो कॉर्निया के साथ कॉन्टेक्ट में आता है तो कॉर्निया की स्टेनिंग भी हो सकती है कॉर्निया लाल हो सकता है अल्टीमेटली विजन लॉस भी हो सकती है ठीक है इसके अलावा हमारे पास ना ब्लड जो है ना वो इंटीरियर चैम्बर में ना वो हमारे पास आयरस को आगे की तरफ भी लेकर आ सकता है वो आयरस को पीछे की तरफ भी लेकर जा सकता है ठीक है अब अगर वो आयरस को कॉर्निया के साथ चिपका देगा मतलब आगे की तरफ उसको इंटीरियर सहने की कहेंगे अगर पीछे की तरफ लेंस के साथ चिपका देगा तो उसको कंपोस्टियर सहने की कहेंगे इसके अलावा हमारे पास ना ये जो होता है ना पिपलरी जो वो होता है ना ब्लॉक भी हो जाता है इसकी वजह से जिसकी वजह से पिपलरी ब्लॉक ग्लूकोमा हो जाता है ठीक है सेकेंडरी ग्लूकोमा अच्छा फिर इसके बाद आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे ठीक है ट्रीटमेंट तो ऐसे होती है ना बेसिकली अगर ग्रेड थ्री या ग्रेड फोर का पेशेंट है ना जिसमें हमारे पास थ्री बाय फोर या फुली फिल्ड है या अगर बच्चा है और या तो अगर कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर का बंदा है ठीक है जैसे सिकल्टिसल डिजीज है या हेमोफीलिया वगैरह है तो इन दैट केस हम लोगों ने प्रॉपर उसको हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को हम लोगों ने और फिर ट्रीटमेंट शुरू कर देनी है ठीक है अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है हॉस्पिटलाइज आपने कर दिया है मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है और सर्जिकल ट्रीटमेंट देनी है ठीक है मेडिकल ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है अपने पेशेंट को डेली ऑब्जर्व करना है उसका इंट्राओकुलर प्रेशर को आपने रिड्यूस करवाना है जिसके लिए आपने एंटीग्लोकोमेटिक ड्रग देनी है ठीक है अच्छा इसके अलावा आपने क्या करना है ऑब्जर्व करना है फिर इसके बाद आंख पे आपने जो है ना पैच लगा देना ताकि आंख जो है ना वो ज्यादा मोबिलिटी उसकी ना हो ठीक है और बेड रेस्ट पे डाल देना है बंदे को ठीक है ऑब्जर्व करना है बेड रेस्ट पे डालना है आंख पे पैचेस लगा देने हैं इसके अलावा आपने क्या करना है इसके अलावा आपने देना है स्टीरॉयड देना है ठीक है ताकि हीलिंग अच्छी सी हो जाए ठीक है इसके अलावा एंटी एंटीग्लोकोमेटिक ड्रग दे देनी है ठीक है और इसके अलावा हम लोग जो है ना प्रेशर को मोनिटर भी करेंगे ठीक है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है ना कि ब्लीडिंग हम चाहते हैं कि ब्लीडिंग दोबारा ना हो या ब्लीड स्टॉप हो जाए ना तो फॉर दैट हम कभी भी पेशेंट को एस्प्रिन नहीं देते या एनसेड्स नहीं देते ठीक है इसके अलावा हम लोग जो फेब्रेनोलिटिक्स होते हैं वो भी नहीं देते तो हम एंटी फेब्रेनोलिटिक्स देते हैं विच इज द ट्रांस एक्जीमिंग ठीक है अच्छा फिर सर्जरी में हम क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग इरीगेशन कर लेते हैं आंख की ठीक है कि हमें नजर आना शुरू हो जाए फिर इसके बाद एरीगेशन करने के बाद हम लोग एक स्मॉल सेंसेजन लगा देते हैं ठीक है और हम एक्सपायरेट कर देते हैं कॉन्टेंट को ठीक है सेकेंड हम लोग क्या करते हैं पैरासेंटिस कर लेते हैं और थर्ड हम लोग ये करते हैं कि हम लोग जो है ना वो ट्रबेकोलेक्टिमी कर देते हैं जो स्क्लेरा होता है उसमें छोटा सा सुराख करते हैं और सारा कॉन्टेंट निकाल देते हैं जो ब्लीड वगैरह हुआ है ठीक है दोबारा बताता हूँ सर्जरी में क्या करते हैं कि एक तो हमने इरीगेशन करके स्मॉल इंसिजन लगा के निकाल लेना है स्पेरेट कर लेना है ठीक है इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पैरासेंटिस कर लेते हैं ठीक है एंड थर्ड वट वी डू वी डू ट्रबेकोलेक्टिमी ठीक है दैट्स इट थैंक यू